अज की जी पत्रकार वार्ता रखी दी है ये इस गल्ले लई रखी है कि तुस जिन्ने भी साढ़े पत्रकार बंधु हैन तुसें अत्रू दिखा कि वीरवारें 22 तरीक म्युनिसिपैलिटी काउंसिल उधमपुर दे विच जेका मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस डॉक्टर साहब के खिलाफ लगे दा हा उहदे उपर वोटिंग होनी ही वह जेकी वोटिंग ही 11 बजे कशा लई है 2 बजे तक रही। ये मैं नहीं बोला ना, ये सीईओ साहब का आर्डर बोला था जेका उन्हें सर्कुलर कढ़ के सारे काउंसलरें भेजा दा हा 2 बजे के बाद जेकी है नोड़ी काउंटिंग ही, लेकिन जेड़ी वोटिंग ही सीक्रेट थी, काउंटिंग जेड़ी ही 2 बजे के बाद होनी ही। लेकिन उस दे विच जो किस्म दा नंगा नाच उधमपुर दी कौंसल दे विच सारे सीईओ म्युनिसिपैलिटी ने किया है, मैं अज दिन तुड़ी ऐसा कुदा नहीं दिखा सर। सीईओ म्युनिसिपैलिटी ने इन्ना गंदा काम किया और इन्ना घिनौना काम किया। मैं ये चाहना है, पूछना चाहना सीईओ म्युनिसिपैलिटी की कि सीईओ साहब तुस इलेक्शन करा दे या तुस एक परिवार की बचा दे, थोड़ा तरीका के है, तुस करा दे के है। 11 बजे वोटिंग स्टार्ट हुई, 21 वोट सारे बोने हे, 21 चा 20 वोट पे, तुसें 20 वोट गिनने किन्ना टाइम चाहिदा? मैं ये पूछना, मैं नहीं पूछना, पूरी उधमपुर की जनता पूछा दी, तुसें क्या 20 वोट गिनने 20 घंटे चाहिए? और उसके बाद तुसें 20 वोट गिने, एक तुसें आर्डर बनाया, वह आर्डर थोड़ा साइन हो रहा, नंबर डेट लगा थोड़ा दफ्तर का, पूरा मीडिया के उपर चला, तुसें भी चलाया था सवेरे दे, तो सारे लोग उत्थुआं दा लाइव चला दे, पूरी दुनिया दिखा दी है। उस आर्डर दे विच क्लियर लिखा के 11 वोट जेके डॉक्टर साहब दे खिलाफ पे, 8 वोट उनके फेवर च पे, और एक वोट जेका खराब हो गया, एक वोट नहीं पिया, पूरा खत्म हो गया काम। तुसें सारे सुना उड़ा कि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस जेका पास हो गया डॉक्टर साहब दे खिलाफ। लेकिन उस दे दौरान मैं दिखा कि जिस वेले 3:45 बजे विच 3-4 आदमी बाहर दे आउटसाइडर अंदर पुजी गए, उस कमरे के अंदर पुजी है जिस कमरे के बिच काउंसलर की भी फोन लेने की इजाजत नहीं है, शायद उसे मीडिया भी बैन थी। वो आउटसाइडर बंदे किन्या पुजे, मैं सीईओ साहब की पूछना चाहना, उस जगह के बिच साड़ा रूल यह आखदा, म्युनिसिपैलिटी एक्ट यह आखदा कि इस जगह के बिच सिर्फ कौन जाई सकता, वोटर, एग्जीक्यूटिव अफसर और जेके सिक्योरिटी रीजन और कोई अथॉरिटी हुआ, क्या वो लोग अथॉरिटी है नहीं है थे, वो बंदे कौन थे? मैं सीईओ साहब को यह पूछना चाहना। और 3 बजे आखिर साढ़े को स्टे है, मिकी दसो कि 2-3 के बिच सीईओ ने क्या किया? सीईओ साहब रेवड़ियां मंडा दे, सीईओ साहब तुझे तमाशा बनाए दा, और उपरा तो कहना कि काउंसलर ने थोड़ा कहने बदतमीजी की। मैं आखना वो काउंसलर शरीफ थे, अगर मेरा जैसा काउंसलर होता मैं सीईओ साहब की थप्पड़ मारी है और मुंह काला करिए पूरा पंजाब फेरता और नरिया कदूतों दसदा कि इसका काम क्या है। सीईओ साहब ने यह हरकत की कि ऐसी हरकत कदे जिंदगी दे विच इतिहास दे विच नहीं होनी। और अगर इंदे कोल कोर्ट दा आर्डर था, मैं मन्ना कोर्ट दा आर्डर है सर, कोर्ट दा आर्डर सिर्फ 4 बंदे नहीं सकदे जिंदे कोल अथॉरिटी होंदी है, जां दे आई कोर्ट दा कोई प्रशासनिक अधिकारी आवे जिसी अस आखने तमीली जां प्यादा आखने, वह नहीं है, वह आर्डर दी है, नहीं तो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की आर्डर करे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई बंदा जाइए उत्थे दिया कि जनाब इस स्टे आई दा, इस ते हुण तुसीं नहीं करी सकते, अग्गे काम नहीं करी सकते, जां उस दे बाद पटीशनर आपूं आई सकदा, उस दे विच पटीशनर डॉक्टर जोगेश्वर होर थे, डॉक्टर जोगेश्वर होर उत्थे दे नहीं आए, आर्डर लेई आए नहीं आए, उस दे बाद च आई सकदी उहदी काउंसल। आर्डर दे विच साफ लिखा कि डॉक्टर जोगेश्वर गुप्ता थ्रू काउंसल मिस्टर अंकुर शर्मा जी, अंकुर शर्मा होर भी उत्थे नहीं आए। अगर 4 बंदे नहीं आए तो 4 जेके 3-4 बंदे जिन्हें अंदर खौदल पाई कौन थे? अगर आउटसाइडर जोर जबरदस्ती इंटरफेयर हो रहे थे, हूं तक सीजो ने उनके ऊपर कोई टिप्पणी क्यों नहीं की, उनके ऊपर FIR क्यों नहीं लाई? इसके कहने साफ जाहिर होता कि सीजो म्युनिसिपैलिटी उधमपुर इस पूरा मिले रहा है। और मैं एक गल और आखना चाहना, जेके साले उत्थे मैजिस्ट्रेट ड्यूटी दिया थे अमित शर्मा और पूरी मैजिस्ट्रेट ड्यूटी प्रोवाइड करना उनका काम है, वह भी मिले देन, उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है। और कन्ना गया मैं आखना चाहना कि सीईओ म्युनिसिपैलिटी दी कॉल ट्रेस करो उस दिन दी 22 तरीक दी कि कोले कोले कन्ना फोन दे उपर एंगेज रहे दे, इसका मतलब जिन्या उन्हें बोर्ड बनाया जिन्या वो आर्डर बाहर निकलिया जेले मीडिया दे विचों आर्डर चला के मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होई दा उंगा दा बंदे अंदर घुसी गए, इन्नी बड़ी सिक्योरिटी DSP उत्ते अपने एडिशनल SP साहब उत्ते SH उत्ते SI किन्ने चुने अमलदार किन्ने बंदे चार अंदर उठी गए। मैं पूछना चाहना सीजा म्युनिसिपैलिटी अगर उधमपुर के लीडर सुते रहे कोई इस गल ऊपर किश नहीं बोला दिया है, लेकिन मैं इस चीज की बर्दाश्त नहीं करता, मैं तो कानून जाबता आदमी है, मैं पूछांगा। सुशील जी 11 तो 2 बजे टाइम दिता गया था, लेकिन 2:30 बजे और बावजूद भी सीओ साहब ने रिजल्ट नहीं कढ़िया, हालांकि अगर पब्लिक डोमेन से इनका जरा मिनसा मीटिंग चला था, क्या इन्हें जी कानून की उल्लंघना नहीं की
मिकी तुस एक गल सनाओ आशीष जी, अगर आर्डर 21 तरीक का होता हा मैं मन्नी लैना, ते उसी 21 तरीक अच्छा लेइए 22 तरीक त्रै बजे तक चट्टा दे कर मखीर लाई जाए, इन्हों ने कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड होनी ही? आर्डर कर क्यों रखा था इन्हें? जिसने कोर्ट का आर्डर 21 का रखा उन्होंने ऊपर भी FIR बनती, उसने क्यों आर्डर कर रखा? और तुस सीओ साहब की बाइट सुनो, रवि जी तुसें दी उन्हें सवेरे जेल्लै तुस लाइव चलाते सब 11:15 बजे बिच है, अगर इंदे को आर्डर पहले पुजे था कि रवि जी उन्हें तुसें क्या कहा कि महाराज 2 बजे नतीजे सामने आई जाने, अगर उन्हें यह आदा कि तुसें रिजल्ट आउट नहीं करना है तो उन्हें तुसें सुनाना चाहिए कि रवि जी सिर्फ वोटिंग होनी है, हाईकोर्ट का आर्डर है, रिजल्ट आउट नहीं होना है, उन्हें तुसें स्टेटमेंट दी थी, इसका मतलब सीओ झूठ मारा दे। और डॉक्टर साहब की बाइट हुई, अगर डॉक्टर साहब भी पता हो डॉक्टर साहब ने नहीं सुनाया तो उधमपुर की जनता बेवकूफ है कदे? अगर उधमपुर का लीडर है अपना ईमान बेच उड़ा सारे अपना जमीर बेच उड़ा तो मैं तुसें आखना कि नहीं यार लीडर की पानी की चूटी छोड़ो गंगा जली बिच पाई है और जनता की मूर्ख बनाना बंद करो यार, कम से कम इस चीज उधमपुर शहर की तबाह होने के साथ बचाऊ लो, कूड़ा ढेर बनने के साथ बचाऊ लो, गलिया पटोने के साथ बचाऊ लो। मैं भी तो उधमपुर का नागरिक है, मैं एरिया म्यूनसिपलिटी मेरा बोर्ड नहीं है तो बोली नहीं सकना, लेकिन दिन के 12 घंटे मैं भी उधमपुर के कटना, मैं सवेरे 10 बजे आना और संजल 8 या 7-8 बजे घरे ही जन्ना है, मैं भी इस शहर च रहना। और महाराज एडा बड़ा एपीसोड हो गया, अफसोस वाली गल है कि DC मैडम और अजे तुड़ी अपने दंद नहीं खोले। ओ मैडम जी मेरी तोड़े कन्ने दरख्वास्त है, AC गड्डिया छुड़ो एक दिन पैदल चलो, इन्हें मीडिया ले आयो तुस भी ले आयो, इन्हें DC दफ्तर कशा ले गोल मार्केट बिच है चूतरा बिहार बिच है सैले तलाब बिच है फेरी है MH बिच ले अपना दफ्तर ही उन्हें गंदे ढेरा कशे हटवायो जेल्लै मुस्की नहीं होगी ना आपू संघिया ना कोई 11 कौंसलर थोड़ा बाहर धरना दे बैठे है अज जगर ऐसी स्थिति आई दी कोई पुछदा नहीं कोई बोलता नहीं। लेकिन CEO साहब आऊं तुसें एक गल सुनाऊना, जहां अगर कोर्ट का आर्डर सही है तो जेका आर्डर थोड़ा दफ्तर इशू होगा जेदे थोड़े उपर साइन हो क्या वो गलत है? मेरी एक दरख्वास्त है उस आर्डर की लैबोरेटरी की जांच कराओ, अगर वो साइन CEO दे सही पाए जाते हैं नंबर डेट सही पाया जाता तो मैं आखना CEO साहब तुम्हें जेल कह कोई बचाई नहीं सकता, भावे दो रिटायरमेंट के बाद जागे भावे रिटायरमेंट कह पहले जागे, अगर तुसे आर्डर जाहिर किया तो तुसे हाई कोर्ट की अवेलना की, अगर तुम आखने 21 तरीक का आर्डर जारी है थोड़े कोल, अगर थोड़े कोल 21 तरीक का आर्डर जारी है तुसे वो आर्डर जारी नहीं किते दा तो तुसे लोकतंत्र का गला घुटिया। CEO साहब थोड़ा उड़ी अगे खाइए ते पिछे गत्त है, हुन खत्ते ही शाल देनी जा खाइए ही पौना, ये तुसे दिक्खी लेना ये तुसे सोचना। बाकी मैं CEO साहब तुसे एक गल सनाऊ ना कि महलेदारी उन्नी नवायो जिन्नी तुस अगे चलाई सको, गंगे रस्ता सब दसु देनी किराया पट्ठा कोई नहीं दिंदा ही, इसी गल्ले कान खोलिए सुन लियो। और अगर थोड़ा कोई और भी प्रश्न हुआ तो मेरे कन्ने बेहिचक पूछी सकते हो की कानूनी कार्रवाई की जाग CEO दे सर CEO दे अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई यह बनती है कि सारे च पहले CEO साहब ने देना पौंदा कोई जगह 3-4 बंदे अंदर अन्निया जिन्हें तंदली की जेदे बाद रौली पई नुआ पहले सब कुछ पेश पुरदा जाने CEO साहब उन्दे उपर FIR लान, अगर CEO साहब FIR नहीं लांदे ते मेरे हिसाब कन्ने CEO साहब दे खिलाफ हाई कोर्ट दे विच वो सारियां वीडियो रिकॉर्डिंग देनिया जिथे वो बंदे आखदे कि मिगी कोई अंदर नहीं करी सकदा, एक आखदा कि महाराज आर्डर था लेकिन उसकी मोहर नहीं ही लगी है। सर मैं तुसे एक गल सुनाई दिना कि बगैर मोहर के बगैर साइन का कोई आर्डर वैलिड नहीं होंदा, पुत्री वैलिड नहीं होंदा सर, वो कियां CEO साहब ने मन्नी लेता? और CEO साहब टेलीफोनिकली कोदे कन्ने लगे दे असें यह पता चाहिए, CEO साहब के खिलाफ भी कार्रवाई होंगी और जेका उथे ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हा नोड़े खिलाफ भी कार्रवाई होंगी, और इंदे उपर दिवांकर जी वो कार्रवाई होनी ना पूरी दुनिया दिखना। और मैं चाहना भी है कि CEO साहब की ऐसी मत लगी जाए इतने कि दोबारा यह नहीं कानून के कन्ने गंदा खिलवाड़ नहीं कोई करे। शुक्रिया।